हेलो, दिस इज़ कितिका एंड यू आर वॉचिंग जीरा क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो साइकोलॉजी का सब टॉपिक है। कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एडवर्टाइजिंग क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज नथिंग बट एडवर्टाइजिंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूजर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मतलब कुछ एक आइडिया है, वो आइडिया को स्प्रेड करना, इज़न्ट इट? सो एडवर्टाइजिंग इज नथिंग बट ये जो यूजर्स है, विद द यूजर्स, यूजर्स कौन है? जो यूज़ करते हैं, जो चीज़ को यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट? वी आर यूजर्स। अभी वी आर यूजर्स और कंज्यूमर्स, जो हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, दोज़ आर नथिंग बट यूजर्स। ठीक है, यूजर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जांपल, अभी हम दुकान में जा रहे हैं, कुछ भी सामान हमें अगर खरीदना हो, जैसे फॉर ग्रोसरी दाल चावल, ये जो भी है, हम कंज्यूमर, हम यूजर्स हैं, हम उसको खा रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, एंड जो दुकान में है वो सेलर्स। सो द आइडिया ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो कम्युनिकेशन है, ये राइस बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो हम स्प्रेड करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट आर मैसेजेस paid for by those who send them and are intended to inform or influence people who receive them. For example, यहाँ पर क्या है? Advertisement are messages. Yes, advertisers are message में. आज के जो technological दुनिया में, अभी कहीं भी कुछ भी website में जाते हैं, advertisement आता है, isn't it? तो ये जो advertisement है, ये एक messages के through, maybe flowchart, maybe video, maybe पॉप आउट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मैसेजेस है। मैसेजेस इज नथिंग बट वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताते हैं, ताकि एक इंसान को क्रिंच हो, एक इंसान को मिले, क्यों मिले, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, एक इंसान अगर जानता भी ना हो उस प्रोडक्ट के बारे में, पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये इंसान उस प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू करता है, मतलब अप्रोच करता है। ठीक है, तो यही क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स आर मैसेज पेड। जो भी एडवर्टाइजमेंट करता है उसको पेड मीन पैसा मिलता है, ऑफकोर्स मिलता है, जितना वो पब्लिसिटी करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। दिस इज अ बेसिक, इजंट इट? दोस हु सेंट देम। अभी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदना है, फॉर एग्जांपल रेफर, मैं अपने दोस्त को रेफर करूँगी, इस दुकान में ये चीज़ ना बहुत अच्छी है, तो जाके खरीद, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स फॉर गर्ल्स, दिस लैक्मे, दिस मैट 95 लिपस्टिक इज़ वेरी नाइस। तो ऐसे जो है ना एडवर्टाइजमेंट करना, तो वो क्या करेगी, मेरी दोस्त जो कह रही है कि वो जाएगी और शॉप में जाके उसी प्रोडक्ट को, उसी शेड को खरीदने की कोशिश करेगी, मतलब अप्रोच करेगी। सो वॉट आई एम डूइंग हियर, सो आई एम एडवर्टाइजिंग, आई एम मेकिंग, मतलब उस प्रोडक्ट को मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ। सो ऐसे बेसिक सब कुछ हो रहा है आजकल, सब कुछ एडवर्टाइजिंग में चल रहा है, तो बेसिक एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी वेरी नीडेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, जो भी मैसेज भेजता है, अब मैं रेफर की हूँ यहाँ पर लिपस्टिक पर, मुझे पेड नहीं मिल रहा है, पर जो प्रोफेशनल्स एडवर्टाइजिंग करते हैं उनको पेड होता है, उनको पैसे मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अभी क्या है? आर इंटेंट टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस पीपल हु रिसीव देम। अभी इन्फ्लुएंस करना क्या है? जैसे ही मैं अपने दोस्त को बोली उस मैट लिपस्टिक के बारे में, वो क्या करेगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी, वाओ ये नाइस शेड है, बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदी, तो जितना जल्दी कोशिश करेगी वो नेक्स्ट खरीदने की कोशिश करेगी, इज़न्ट इट? सो दिस हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट वर्क होता है, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हर सोशल मीडिया वर्क्स एज ए एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एडवर्टाइजिंग डिस्क्राइब्स और ड्रॉ अटेंशन
टू ए प्रोडक्ट. अभी क्या है, एडवर्टाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब करता है वो प्रोडक्ट कैसा है, कितना प्राइस है, वो कितना ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना साल तक वो चलेगा, उसका क्वालिटी क्वांटिटी कैसा है. ओके, सारा एडवर्टाइजर में वो उसका फीचर्स बताता है उस प्रोडक्ट का, ड्रॉ डिस्क्राइब्स और ड्रॉ अटेंशन टू द प्रोडक्ट. ओके, अभी फॉर एग्जांपल फीचर्स देखे कुछ, जो भी हमारा उसका स्ट्रक्चर फीचर उसके बारे में देखते हैं, वाओ ये प्राइस है, सेल चल रहा है, वाओ वी हैव टू बाई, अभी ये सेल चल रहा है, समर सेल चल रहा है, विंटर सेल चल रहा है, या फिर दिवाली सेल चल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्राइब करते हैं सेल में है. और इसी से क्या होता है, कस्टमर्स टेंट होते खरीदने के लिए, मतलब उसको क्रिंज होता है खरीदने के लिए. ठीक है, सो ये अटेंशन ग्रैब करता है एडवर्टाइजिंग. एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग शुड ग्रैब अटेंशन फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द पीपल. ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस और इवेंट इन पब्लिक मीडियम इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स और अटेंडेंस. सो ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक उसका काम क्या है एडवर्टाइजिंग का, वो प्रमोट करता है ताकि वो सेल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस में सेल्स को बढ़ा सके. ओके, सो एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग एक प्रोडक्टिव सेल को इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन. आई होप दिस इज क्लियर. और नेक्स्ट हम वीडियोज में देखने वाले हैं what is objectives of advertising, types of advertising, role of advertising. okay, ye video yahi pe khatam karte hain. agar next video aapko jana hai to you can see, and aaj ke video yahi khatam karte hain. milte hain agle video mein, tab tak stay safe, stay happy, tata, bye bye.